मरान खान महंगाई तो है अभी, बहरहाल मरान खान अच्छा बंदा है, मैं तो ये भी कहूँ। अच्छा, उसमें काम ज़्यादा अच्छे हुए हैं, ज़्यादा पाकिस्तान ने तरक्की की है। भाई वो तो नवाज़शरीफ की हुकूमत में है, सबको पता है नवाज़शरीफ की हुकूमत में जो बात है वो सच्ची करनी चाहिए। बाप नशा करता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर में मैं ही कल्ला कमाने वाला हूँ, चूता है कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। वालेकुम सलाम। खान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, आप कहाँ से हैं? ये सियालकोट से हैं या दूसरे किस शहर से आए हुए हैं? मैं असल में क्वेटा से आया हूँ, बलूचिस्तान की शहर। अच्छा, बलूचिस्तान में। इधर रोजी के लिए आए हुए हैं? हाँ जी। इधर तो आप अकेले ही हैं या कोई भाई वगैरह, या साथ में कोई चाचू अंकल वगैरह भी आए हुए हैं? नहीं, सारे इधर ही है, फैमिली सारे इधर है माशाल्लाह। तो काम के क्या हालात वगैरह इधर? काम बस ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह देना है वही मिलते हैं। हर शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, वही नेमत है, उसी ने सब कुछ हमें देना है। तो इधर आप क्या काम करते हैं? इधर मैं फ्रूट था। फ्रूट का अपनी डेयरी है या किसी के साथ दिहाड़ी पे हो या पार्टनरशिप पे? नहीं नहीं, अपना अपनी है। तो डेली का अलावा कितनी रोजी दे देता है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितनी मादे कराना है उतनी रोजी मिलता है माशाल्लाह। तो आपके ख्याल में हुकूमत कौन सी बेहतर की, अभी पीटीआई की बेहतर है या नून लीग की बेहतर थी? अभी तो फिर भी महंगाई है, वे जिसका भी हुकूमत है वे अभी तो भी महंगाई है। महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगा हो गया, उधर मंडी से माल जिस तरह माल लेकर आंदे हो उधर महंगा मिलना है, तो इधर महंगा ही बेचना है। तो कितने फीसद आपके ख्याल में महंगाई होगी? पहले जो फ्रूट आप कितने का लाते थे और अब वो कितने का आता है? पहले ऐसी मसलन उधर जिस तरह मसलन ऐसी इधर 100 रुपये किलो बेचता सी, वही चीज़ ऐसी 250 रुपये किलो बेचना, यानी कि डबल महंगाई होगी। तो अभी महंगाई की वजह से कस्टमर उसी तरह आता है या कस्टमर में गाहक में कमी वगैरह हुई? गाहक में घट हो गया, गाहक बड़ा घट हो गया। पहले ऐसी मसलन 50,000 की माल बेचना सी, उन 10,000 रुपये माल भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो घर कितने अरसे बाद जाते हो आप? मेरा घर इधर अपना इधर ही है घर। अच्छा, फैमिली रखी हुई है? सारा फैमिली इधर है माशाल्लाह। ठीक हो गया खान भी? शुक्र है। भाई जान आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलशान अहमद है। दिलशान भाई, आप क्या करते हैं? हम फ्रूट मंडी दुकान है हमारी। अच्छा, जो आपकी अपनी दुकान है, आप इधर सियालकोट के हैं? जी सियालकोट के हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत बेस्ट थी? मेरे हिसाब से तो पीटीआई की अच्छी है। पीटीआई की। तो महंगाई किसके दौर में ज्यादा रही है? महंगाई तो भाई पहले तो सही रही है, अब जब का ये आया शबाशी इमरान खान, महंगाई तो है अभी, बहरहाल इमरान खान अच्छा बंदा है, मैं तो ये भी कहूँ। अच्छा बंदा। और आप ये बताएं कि किसकी दौरे हुकूमत में काम ज़्यादा अच्छे हुए हैं, ज़्यादा पाकिस्तान ने तरक्की की है? भाई वो तो नवाज़शरीफ की हुकूमत में है, सबको पता है नवाज़शरीफ की हुकूमत में जो बात है वो सच्ची करनी चाहिए। ठीक है, बस इमरान खान को मौका मिलेगा ये भी करेगा, पर अच्छे काम नवाज़शरीफ की हुकूमत में हो या नवाज़शरीफ की हुकूमत में, ये बात है। अभी जितना आप कमा रहे हैं उस पर शुक्र अदा करते हैं कि आपके घर की रोजी वगैरह निकल आती है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर बंदा मजदूर है। चलो असी तो मंडी सौदे सौदे बेचने आठ रही हाँ, मजदूरों का बहुत भैड़ा हाल है, बेचारे पैसे नहीं सानू पूरे देंदे है, फिर जिसकी वजह तो सानू भी खसारा होना पैंदा, घट पैसे लेने पैंदे इन्हां कोलों। ठीक है, 50,000 का माल है, कोई 40 देंदा है, कोई 35 देंदा है, तो फिर इस कोई बात नहीं रखने पैंदे ने सानू। महंगाई की वजह से जिस तरह पहले आप स्टॉक ज़्यादा लाते थे जब कम महंगाई थी, अब महंगाई बढ़ी है तो माल आप उसी तरह लाते हैं या कम लाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे लाते हैं, कम लाते हैं माल। ठीक है, जितना बिक जाता है उतना लाते हैं, ज़्यादा माल नहीं हम लोग लाते, क्यों तो किसाना होता है, नुकसान बढ़ता है, सौदा बिकता नहीं रेडियो के साथ पास, तो वो मजदूर पैसे नहीं हमें देते, इसलिए भाई। तो ये छोटा भाई भी आपके साथ होते हैं? नहीं भाई, ये इनका रेडी वालों का है हमारा। अस्सलामुअलैकुम छोटे भाई, आपका? अस्सलामुअलैकुम फजान। फरान भाई आप क्या करते हैं? हम भी रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं, तो आपकी अपनी रेडी है या किसी के पास काम करते हैं? किसी के पास काम करते हैं। तो वो किसी के पास काम करने की क्या वजह है? माशाल्लाह आपकी एज स्कूल जाने की है तो आप काम पे आते हो? किसी के बाप नशा करता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर में मैं ही कल्ला कमाने वाला हूँ। तो कोई बड़ा भाई, कोई और चाचू ताए वगैरह कोई सपोर्ट नहीं करते आपको? चाचू ताए कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। और बड़ा भाई? बड़ा भाई नहीं काम करता। क्यों, वो भी नशा करता है या वैसे ही नहीं काम करता? वैसे ही नहीं काम करता। तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते? हम स्कूल नहीं जाते। नहीं क्यों नहीं है? जाएगा पापा, जाएगा जेल में। ठीक है, पापा जेल में है। और इधर काम करते कितना अर्सा हो गया? हो गया 2 हफ्ता। 2 हफ्ते हो गए।
तो दो हफ्ते में कुछ जो पैसे कमाते हो घर दे देते हो या अपने पास भी रखते हो? सारे पैसे घर दे देता हूँ। तो उससे घर का राशन वगैरह आप ही चला रहे हो? इस टाइम आप ही घर के बड़े हो, आप ही बुजुर्ग हो घर के, बाकी जो बड़ा भाई आप बता रहे हैं वो बिल्कुल नकार है। वो नकार है बिल्कुल। कितने बहन भाई हो आप? तीन बहन भाई, तीन बहन है तीन भाई। और दूसरा भाई क्या करता है? एक भाई तो आपने बताया नकार है, दूसरा क्या करता है? एक छोटा भी। छोटा है। तो अगर हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आपके चले अखराजात उठाएं, अगर आपको स्कूल भेजें तो आप जाएंगे पढ़ेंगे स्कूल में? पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तो मेन काम करने की वजह यही है कि आपके अखराजात नहीं उठाए जा रहे। लेकिन अगर आपके कोई बंदा अखराजात उठाए, आपको घर में राशन पानी दे, तो आप स्कूल जाएंगे? जाएंगे जरूर। तो कौन सी क्लास में स्कूल छोड़ा है? मैंने छोड़ा है वन में। वन में कौन से स्कूल जाते थे आप? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के, ठीक है। हम ना कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि आपके वालद साहब को भी, वालद का क्या नाम है? जवेद इकबाल। जवेद इकबाल, तो वो कितनी देर से नशे में? उनको कोई हो गया कोई तीन चार साल। तो उन्हें कोई भाई बहन रोकने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला? हम समझाते हैं, वो नहीं समझते। तो आप इधर सियालकोट के या किसी और जगह से आए हुए? हम पुराना संग्रियाल में हैं। अच्छा, संग्रियाल में, ठीक है। छोटे भाई, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आपके नजरेसानी करें, आप जैसे भाइयों और भी इधर मार्केट में हैं या आप अकेले हो इस मार्केट में इस उम्र में? मैं अकेला हूँ। यानी कि इस पूरी मार्केट में आप सिर्फ अकेले हैं? तो इतनी मार्केट में कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है? नहीं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि छोटे से बच्चे हैं, सर मजबूरी की वजह से वाला साहब इनके नशा करते हैं, बड़ा भाई नकारा है, स्कूल ही ने भेजता, जिसकी वजह से ये सिस्टम घर के बड़े हैं। तो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि ऐसे बंदों पे नज़रसानी करें, ताकि ऐसे हमारा ये नौजवान हमारा सरमाया है जो कि इस तरह सिस्टम रोडों पर रेडियो लगा रहे हैं।